भाई प्यार के सात वचन धर्म पत्नी का जो आज का एपिसोड था वो ना मैं बोल सकता हूँ कि रवि और प्रतीक्षा के ऊपर था ही नहीं। ये जो एपिसोड था पूरा का पूरा था किंजल और पारुल के ऊपर और काव्या के ऊपर। रवि प्रतीक्षा का डांस देखने को मिला, बिल्कुल इतना बेकार डांस कि रवि के चेहरे से देख के लग रहा कि जबरदस्ती का डांस करवा जाए। रवि इंटरेस्टेड नहीं है इस डांस को करने के लिए, उसका फेस बना रहा है, उसकी शक्ल बनी हुई है, लेकिन वो तब भी डांस कर रहा है। मतलब भाई इतना ज्यादा अजीब सा लगा कि भाई मुझे बड़ा अजीब सा लगा था कसम से। और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कि शायद रवि सॉरी फामान खान की तरफ से मुझे कभी ऐसी कोई गलती देखने को मिल सके कोई डांस में। या तो फिर ऐसा हो सकता है कि जो हमें केमिस्ट्री बाकियों के साथ देखने को, या फिर मैं एक्सेप्शन केस ले लूँ सुंकुल के साथ मेनली, तो वो चीज हमें देखने को नहीं मिली। जो फेस एक्सप्रेशन थे वो बिल्कुल अजीब से थे, वो मतलब लग ही नहीं रहती कि बंदा खुश होके डांस कर रहा है, रोमांटिक सीन कर रहा है। बड़ा ऐसा होता है कि फोर्सफुली कोई डांस करवाया जाता है वैसा फील आ रहा था। एंड सीरियसली ये चीज मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उसके अलावा किंजल पारुल और काव्या के बीच में जो भी ड्रामा चल रहा था, बस वही बात है जो मैं पहले भी बोल चुका हूँ। प्रतीक्षा को छुपाने की कोशिश की जाती है, यहाँ पे प्रतीक्षा की जगह काव्या को छुपाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो कोशिश इतनी ज्यादा बढ़ गई कि मतलब वो बस खींच रहा है बस। लेकिन एक इसमें अच्छी बात यह कि भाई आज के एपिसोड के एंड में क्या होगा कि भाई हमें देखने को मिल जाएगा कि जो काव्या है ये फोन करके अपनी मम्मी को बता रही है कि भाई शादी में मैं नहीं हूँ, मंडप में मैं नहीं हूँ, बल्कि कोई और है। ठीक है, वो कोई और नहीं, वो है क्या कहते हैं, क्या नाम है उसका, क्या नाम है इसका, प्रतीक्षा है ये, मैं नहीं हूँ, समझे। तो इसलिए सीधे से शादी रोको किसी भी तरीके। लेकिन वहां पे मैं देखने को मिल सकता है कि मतलब जो चीजें हैं वो हाथ से निकल चुकी है, प्रतीक्षा की और रवि की शादी हो चुकी है, अब वो कुछ नहीं कर सकते। एंड सीरियसली मजा आया यार, जिस तरीके से किंजल पारुल ने काव्या का बैंड बजाया, काव्या जिस तरीके से बैंड बजाई, बिल्कुल दम हो रही, फिर एकदम से उठ रही, फिर एकदम से स्लो, फिर उठी, फिर एकदम से, तो ये चीज देखने को मिली वो मजेदार। पारुल गुस्से में मारू क्या इसके मुक्के, बोतल लेके खड़े उसको मारू क्या इसके, तो मतलब ये चीज देखने में बड़ा मजा आया। एंड सीरियसली मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ये तीन लोग भी एक पूरा एपिसोड निकाल सकते हैं एंटरटेनमेंट के साथ। काव्या की तरफ से तो मुझे था थोड़ा बहुत कि चलो वो थोड़ा बहुत अपना जो ड्रामा करती है उसकी वजह से थोड़ा बहुत चल सकता है एपिसोड, लेकिन जिस तरीके से किंजल और पारुल ने भी बराबरी मतलब सब चीजों को एक साथ लेके आगे बढ़ाया, पूरा का पूरा एपिसोड संभाला है तीनों ने, गजब, पूरा गजब। क्योंकि यार परसेंटेज तीनों का हिस्सा बराबर बराबर गया आज के एपिसोड में, और तीनों के हिस्से में कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि मतलब कोई किसी का ओवर जा रहा है, किसी का डाउन जा रहा है। मजा आया भाई पूरा एपिसोड में, प्रॉपर मजा आया। और जितनी ज्यादा बेइज्जती हो सकती थी काव्य की उतनी ज्यादा बेइज्जती की गई इस एपिसोड में, और ये देख के भाई मजा आ रहा था मुझे। बेल आपको आज का एपिसोड कैसा लगा धर्म पत्नी का कमेंट्स करके जरूर बताएं, और इसी तरीके की अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट। बाकी भाई अब धर्म पत्नी के आने वाले एपिसोड में क्या होगा ये तो हमें कल ही देखने को मिलेगा, लेकिन भाई आज का एपिसोड तो सिर्फ काव्या को पकड़ने वकड़ने में चला गया पूरा का पूरा, इसके अलावा हमें कुछ भी नया देखने को नहीं मिला। भाई मिलते हैं आपसे कल धर्म पत्नी के अगले एपिसोड के रिव्यू के साथ।